नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे डी में दोस्तों ये सेशन जो है रेलवे ग्रुप डी का जो अभी हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था टेस्ट नंबर वन था उसका दोस्तों सॉल्व है तो सॉल्यूशन करवाया मैंने है तो उसको देख लीजिएगा उसके पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को भी जिस काम को आप खुद ही पसंद नहीं करते यदि आप किसी काम को खुद ही नहीं पसंद करते हैं तो उसे दूसरों पर कभी भी न थोपें जैसे कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है तो दूसरे को भी इस वीडियो को देखने के लिए ना कहें तो पहला क्वेश्चन दोस्तों था प्रकृति रूप में लिटमस का रंग कैसा होता है ये पहला क्वेश्चन आपका था लाल बैंगनी नीला या फिर पीला तो इसके चार ऑप्शन दिए थे और नीचे आपको चॉइस करना था कि कौन सा सही है तो जो प्राकृतिक रूप में जो लिटमस होता है उसका रंग होता है बैंगनी या इसको लोहित भी बोल सकते हैं लोहित भी बोल सकते हैं दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो यहाँ पे आई बटन है इस पर क्लिक करके आप लोग जो है ये वाली क्लास देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों इस चीज में मैंने पच्चीस क्वेश्चन दिए थे और काफ़ी लोगों ने टेस्ट भी दिया तो अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉनों की संख्या समान वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं चार ऑप्शन आपके आइसोटोन आइसोबार आइसोटोप और आइसोसोम तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था आइसोटोन आइसोटोन नेक्स्ट आपका है प्रथम बूट सेक्टर वायरस है दोस्तों इसमें काफ़ी लोगों ने जो है कोरोना वायरस लगा दिया लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों जो है कंप्यूटर से था तो ये इसका जो होगा वो होगा ब्रेन ब्रेन इसका जो है सही ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है कहता क्वेश्चन एक लड़का उत्तर पूर्व सबसे पहले ये ग्राफ बना लेते हैं दोस्तों है। एक लड़का उत्तर और ये आपका पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तीन किलोमीटर चलता है तीन किलोमीटर इधर चल गया फिर दक्षिण की ओर फिर कहता है कि दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर आ गया दक्षिण पूर्व दोस्तों कह रहे हैं दक्षिण पूर्व तो इधर आ गया शुरुआती स्थान से वह कितने किलोमीटर की दूरी पे है तो दोस्तों ये एक आपका जो है इस हिसाब से त्रिभुज बन जाएगा इस हिसाब से त्रिभुज बन जाएगा तो एक इसको तीन मान लेंगे एक चार मान लेंगे और जब तुम्हारी कोई तीन और चार एक बना तो ये पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में लग जाएगी तो हम इसको पाइथागोरस तो में आप लोग जानते होंगे इसे सॉल्व कर सकते हैं तीन का स्क्वायर और ये चार का स्क्वायर बराबर जो भी आपका हुआ मान लेंगे इसका स्क्वायर ठीक है तो ये आगे आगे आएगा एक्स स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर नौ और चार का स्क्वायर आपका सोलह सोलह नौ हो जाएगा पच्चीस और इसका रूट निकालेंगे जब इधर से हम हटाएंगे तो पाँच निकल के आएगा तो आपका जो वह शुरुआती स्थान से पाँच किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जी से था तो सॉरी आपका इतिहास से था महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की तो बीजी तिलक ने की शुरुआत किसने की आपकी गणेश उत्सव की सबसे पहले जो है बीजी तिलक ने इसकी शुरुआत की नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है दोस्तों कह रहा है ए और बी किसी टैंक को 24 और 30 घंटे में क्रमशः भर लेते हैं तो मान लो कि ए पाइप आपका 24 घंटे में और बी पाइप 30 घंटे में दोस्तों भरता है तो इसकी आपकी कैपेसिटी आ जाएगी 24 और 30 का हम लाशा लेंगे तो कितना आ जाएगा 120 120 ठीक है अब हम ए का कैपेसिटी निकालेंगे कैसे 120 को हम 24 से भाग दे देंगे तो हमारा ए का कैपेसिटी निकलेगा 24 और 120 का भाग देंगे तब निकलेगा पाँच इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे तो बी का निकलेगा तीस एक सौ बीस भागे तीस कर देंगे तो निकलेगा हमारा तीस और ये चार निकलेगा दोस्तों निकल के चार अब हमारा कह रहा है दोनों एक साथ दोनों एक साथ को कहेंगे तो ए और प्लस का मैं कैपेसिटी कितना निकल के आया जो क्षमता दक्षता है वो पाँच और चार निकल के आया मतलब नौ और हमारा 120 था दोस्तों 120 तो अब हमको निकालनी है काम एक ही साथ करें तो कितनी जल्दी आपको टंकी को भर देंगे तो 120 को हम 9 से भाग दे देंगे आपका जो है आंसर आ जाएगा तो एक बार दे के देखते हैं 120 सौ बीस भागे नौ तो ये आपका नौ एक के नौ नौ त्रिके 27 और ये बचेगा आपका तीन तो तीन बटे नौ ये तेरह सही तीन बटे नौ तो तेरह तो घंटे आपके हो गए अब आपको तीन बटे नौ को जो है चेंज करना है मिनट में तो आप यहाँ से साठ से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तीन त्रिके नौ और तीन दुनी छः तो बीस मिनट आया तो आपका जो सही आंसर रहेगा तेरह मिनट बी सॉरी तेरह घंटा और बीस मिनट तेरह घंटा बीस मिनट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओर चलते हैं भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस बैंक ने लगभग सोलह हजार सात सौ करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है तो ये ए डी बी बैंक ने ए डी बी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है दोस्तों विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स रोग होता है और ये विटामिन का जो आपका वीडियो है वो आपको वाई बटन में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन को एक मई तक कर दिया तो ये आपका पंजाब सरकार जो है लॉकडाउन को बढ़ाकर एक मई तक कर दिया पर अब जो आज की डेट ये दोस्तों वीडियो जो जो टेस्ट हमने लिया था काफ़ी दिन कभी करीब तीन से चार दिन पहले लिया था पर अब जो है ये आपका तीन मई तक पूरे भारतवर्ष में हो गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने गलत दिया है दोस्तों जो दसवा क्वेश्चन है इसका सभी लोगों ने आंसर गलत दिया किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है किसी किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना है दोस्तों अपेक्षित यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो मतलब पूछ रहा था तो आपका इसका होता है चार डिग्री सेल्सियस चार डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब किसी विशेष संख्या सात नौ ग्यारह पंद्रह से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में आती है मैं कहने का मतलब है सात अनुपात नौ समानुपात ग्यारह और पंद्रह ठीक है इस हिसाब को अगर कोई संख्या है इनमें से हम कोई संख्या घटा दें ये आपकी दी हुई है तो कह रहे ये समानुपात में हो जाएंगी ये अभी समानुपात में नहीं है तो दोस्तों इसका सबसे सरल तरीका है कि इन्हीं में से विकल्प से लेकर हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम एक को कम करेंगे यहाँ से एक कम करेंगे तो आपका आठ हो जाएगा यहाँ देखो इसका इसका जोड़ा बनता है और इसका इसका मतलब अंदर अंदर की और बाहर बाहर की ये बाहर बाहर हो गए और अंदर अंदर की ठीक है तो क्या करेंगे कि अब एक घटाएंगे तो यहाँ से छः हो जाएगा और यहाँ पे आपका चौदह चौदह चो, छंगे चौरासी हो गया आपका एट्टी फोर और इसी प्रकार से इसमें हम कम करें तो हमारा एट्टी फोर आना चाहिए तब तो हमारा ये वाला विकल्प सही रहेगा तो आठ यहाँ पे और ये बारह तो बारह ठी छानबे तो ये नहीं होगा ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हम दो का कर लेंगे और तीन का दोस्तों दो में भी नहीं होगा हम वीडियो को लंबा हो जाएगा तो हम तीन को सीधे करके दिखाते हैं अगर हम तीन सात से तीन कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा चार और पंद्रह से तीन कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बारह तो ये आपका फोर्टी एट निकल के आएगा इसी प्रकार से हम नौ और ग्यारह से तीन तीन कम करेंगे नौ से तीन कम करके छः और ग्यारह से कम करेंगे आठ तो ये अड़तालीस ठीक है तो इस हिसाब से आप इसको विकल्प से लगा सकते हैं अगर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा तब आपको करना पड़ेगा सात माइनस एक्स बूढ़े पंद्रह माइनस एक्स और बराबर में करना होगा नौ माइनस एक्स और पंद्रह माइनस एक्स ठीक है इसको सॉल्व करोगे और एक्स का मान निकालोगे वही हो जाएगा आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ए बी किसी काम को मिलकर आठ दिन में करते हैं ए प्लस बी का जो काम है वो आठ दिन में कर लेते हैं और ए अकेले आपका है ए अकेले कितने दिन में करता है बारह दिन में करता है इसका आपका जो टोटल वर्क है निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका चौबीस इन दोनों का एलसीएम ठीक है तो ए बी की कार्यदक्षता आपकी हो जाएगी तीन ए और बी की कार्यदक्षता कितनी हो जाएगी तीन और बी की हो जाएगी आपकी दो सॉरी दोस्तों की जो ए और बी की कार्यदक्षता तीन आपकी हो जाएगी और दो की कार्यदक्षता एक अब यहाँ से हमको निकालनी किसकी है बी की बी की निकालनी है तो हमारा ए प्लस बी दो दिया था और ए बराबर हमारा एक दिया था सॉरी ये तीन था और ये दो था तो हम बी बराबर निकालेंगे तो हमारे निकल के आएगा एक बी वाला निकल क्या आएगा एक और ये आपका चौबीस दिया है टोटल वर्क तो हम एक से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आएगा चौबीस तो चौबीस दिन में बी अकेले उस काम को चौबीस दिन में करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अधोलिखित पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन को अलग करने की सबसे आम विधि कौन सी है तो जो आम विधि है वो प्रभाजी आसवन है प्रभाजी आसवन ठीक है याद रखना है जब कोई भी दो मिश्रण होंगे उनका टेम्परेचर जो है पच्चीस केल्विन से अधिक होता है तब इस विध का प्रयोग करते हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है निम्न में से किस जगह पर क्वेश्चन मार्ग यहाँ पे क्या आएगा तो बर्फ पानी और ठोस को जो है द्रव से ठोस को द्रव से ठीक है इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है जे एल एन पी आर टी तो अगला आपका वी हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा वी ठीक है नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया तो ये दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है रैम का पूरा नाम बताना है तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी नेक्स्ट है कि निम्न में से निम्न जो अक्षर ये दिए हुए हैं इनमें से निम्न में से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है तो आपका नेम जो है नहीं बन सकता है क्योंकि पूरे वर्ड में आपका ई नहीं दिया हुआ है ई वर्ड नहीं दिया है विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस तो पाँच जून को मनाया जाता है पाँच जून को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है तो रॉकेट को जिससे चलाया जाता है उसे प्रणोदक बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रणोदक दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है वो आवेश की है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैथ से आ गया है तो देख लीजिएगा चौदह सौ रुपये में खरीदता है और पंद्रह सौ के नुकसान पे बेचता है तो चौदह सौ का दोस्तों नुकसान कितना हुआ है पंद्रह परसेंट तो सौ में से हम अगर पंद्रह कम करेंगे तो आएगा पचासी और बटे सौ इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा लुप्त संख्या को बताइएगा लुप्त संख्या को बताइएगा तो ये क्या हो जाएगा बीस एक कम हो गया फिर दो कम हो गया इस बार हम तीन कम कर लेंगे सत्रह से अगर हम तीन कम करेंगे तो चौदह आएगा चौदह से तीन आप चौदह से एक और बढ़ा के कम करेंगे तो चार घटाना पड़ेगा तो दस आ जाएगा तो इस हिसाब से हमारा एक एक बढ़ के कम हो रहा है तो हमारा इसका आंसर रहेगा चौदह फोरटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सी गैस बुदबुदेदार पेय में घुली रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुदबुदेदार पेय में घुली रहती है मतलब झाग देती है फरवरी माह में कितने दिन होते हैं दोस्तों फरवरी माह में जो है उनतीस और अट्ठाईस दोनों दिन होते हैं जो कि आप में नहीं है इसलिए तो आपका ये प्रश्न जो है दोस्तों आशा करता हूँ कि सेशन अच्छा होगा यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और क्या इम्प्रूव करना है उसके लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव दें हमको जय हिंद जय भारत